तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो कि ये एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो क्यों बार बार पूछा जाता है? क्योंकि नया क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होती है सबको। तो यहाँ पर तुम देखोगे कि टू पोलराइट से ए एंड बी सच दैट एक्स इज अ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चलो एक पोलराइट्स मैं यहाँ रख देता हूँ जिसकी एक्सिस ऐसे है, वर्टिकली है, ठीक है। तो ये जो एक्सिस है वो एक्सिस ए की पोलराइड है और दूसरी एक्सिस इसके परपेंडिकुलर ऐसे है। तो दूसरी जो वाली जो पोलराइड है उसको मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ तो थोड़ा सा आपको फील ज़्यादा आएगा। दिस इज द पोलराइड टू। तो इसकी जो एक्सिस है वो ऐसे आएगी, दिस इज बी। अब एक तीसरा आ गया सी, समझ रहे, जो कि एंगल बाइसेक्ट करता है इनके बीच। मतलब एंगल बाइसेक्ट का मतलब होता है इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो जो सी वाला आ रहा है वो यहाँ से 45 डिग्री पर आएगा। तो क्योंकि इनके बीच ये वाला एंगल, इनके बीच कितना था, ये एंगल कितना था भाई, 90। तो ये एंगल कितना होगा, 45, क्योंकि जो सी वाला आ रहा वो ऐसे रहेगा। तो दिस इज द पोलराइड सी। तो ये ए और बी और ये सी। तो यहाँ से जो अनपोलराइज लाइट ऐसे आई है, ये यहाँ से जो अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट हुई है, आई होप कि आपको थोड़ा सा पोलराइजेशन आता होगा। तो यहाँ से जो इंटेंसिटी आई नॉट आई है, तो यहाँ इस रीजन में आई ए मिली, इस रीजन में आई सी मिली। तो यहाँ से तुम देखोगे तो इस वाले रीजन में कितनी लाइट मिलेगी वो ये पूछ रहा है मेरे भाई। तो इस वाले रीजन में आई बी कितनी मिलेगी इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले आई होप कि आपको पता होगा ये बात कि एवरेज इंटेंसिटी ऐसे, अगर कोई एक्सीज ऐसे है तो जो वह कंपोनेंट जो इसके परपेंडिकुलर है, ये वाला वो एक्सीज के परपेंडिकुलर कंपोनेंट इलेक्ट्रिक वेक्टर है अब्जॉर्ब कर लेगा। तो जो आई ए है उसकी जो वैल्यू होती है 50% रिड्यूस हो जाता है। तो आई नॉट था, तो इस केस में अगर एक्सिस ऐसे है तो यहाँ मिलेगा आई नॉट बाई टू आई ए। अब आई ए और सी के बीच एंगल देखो, ये एंगल कितना है, 45 डिग्री। तो लॉ ऑफ मैलस, तो यहाँ से मैलस का लॉ यूज करोगे, लॉ ऑफ मैलस, मैलस लॉ कि इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू आई डैश कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा क्या है, आई और आई के बीच का, दो पोलराइड के बीच का एंगल। तो यहाँ से इंटेंसिटी ऑफ सी इज इक्वल टू आई ए और यहाँ से कॉस स्क्वायर 45 यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ से आई ए की वैल्यू आई बाई टू और कॉस 45 1/√2 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आई बाई टू डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से मिल जाएगा आई सी। तो आई सी की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी, ठीक है ना, ये वाली चीज़। अब अगर आप देखोगे तो आई सी तो यहाँ मिल गया, तो आई बी की वैल्यू, तो देखो ये वाली जो एक्सीज है, ये तो सी की एक्सीज है और ये बी का एक्सीज है। तो ये एंगल कितना होगा, तो ए बी एंगल 45 होगा, ठीक है। मतलब जो है सी और बी के बीच का भी एंगल 45 होगा। तो आई बी की वैल्यू आ जाएगी आई सी और मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो आई सी की वैल्यू कितनी, इस रीजन में कितनी लाइट आई है, तो इस रीजन में जो लाइट आई है वो आई सी आई है, आई नॉट बाई 4 आई है, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन 45 डिग्री पर इसकी एक्सिस है। तो ये आई नॉट बाई 4 और यहाँ से कॉस स्क्वायर 45 1/√2 का स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा आई नॉट अपन 8। तो फाइनल जो सोल्यूशन है वो आई नॉट अपन 8 है। तो आई नॉट अपन 8 इसमें से देखो कौन सा मैच करता है, तो ये सही नहीं हो सकता, ये सही नहीं हो सकता, ये सही नहीं, इसका मतलब सी ऑप्शन सही है। तो आई होप कि आपको मज़ा आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।